महाराज एक सूचना है। हाँ बोलो। जिस गांव में हमने अनाज को लूटा है महाराज, उस गांव में जंगली चूहों ने महामारी फैलाई है। अगर हम अनाज को खाएं तो सीधे यमलोक पहुंच जाएंगे। व्यापारियों के भंडार हमारे लिए ही हैं। आज रात हम उन्हें लूटेंगे, उन्हें भी हमारी सेवा का अवसर मिलना चाहिए। महाराज ये आपके लिए चिट्ठी आई है। महाराज स्वयंदेव की चिट्ठी है। युवराज विक्रमदेव का विवाह तय हुआ है, उसी का आमंत्रण होगा। पढ़ो। जमूठा, हमें आनंद है कि तुम हमारे सारे आदेशों को सच्चे सेवक की तरह पालन कर रहे हो, परंतु आजकल तुम में और दूसरे बैल बुद्धि समुद्री लुटेरे में कोई अंतर नहीं है। तुम अपनी पहचान गुप्त रखने की जगह तुम उसका उत्सव मना रहे हो। अरे मेरा मुंह घूरने से क्या काम खत्म नहीं होगा? काम पर लगो सुअर के औलादों। तुम्हारी इसी मूर्खता के परिणाम स्वरूप आज महिषपति और कादर मंडलम के बीच में युद्ध की स्थिति स्थापित हो चुकी है। यह हमारा तुम्हें आदेश है कि कादर मंडलम के लूटे हुए जहाज को तुम वापस कर दो, और हां अगले आदेश तक तुम अपने जड़ बुद्धि को उपयोग नहीं करना। महाराज इसमें तो आमंत्रण है ही नहीं। महाराज तो क्या हम लूटे हुए जहाज को वापस कर देंगे? एक गांव से लूटा नाच मालवादीप को भेंट करो, जहां में थोड़े जंगली चने भी डाल देना। कादरियों को भी तो पता चले कि शैतान के पंजे से भी एक चीज वापस निकलती है, मृत्यु। तांडव मचाएंगे, तांडव। जी